देखिए जैसे अभी आप देख रहे हैं इधर, यहाँ कल पानी नहीं था, न इस खेत में था न इस खेत में था, और सामने भी पानी नहीं था। आज आप देख रहे हैं कि हालांकि बारिश नहीं हुई, अभी आज रात में बारिश नहीं, इस टाइम भी बारिश नहीं हो रही है, फिर भी पानी बढ़ रहा है। जिन खेतों में पानी नहीं था आज उन खेतों में पानी है और ज्यादा पानी है। और भी हम देख रहे हैं, सुबह आए थे तो ये पानी इतना स्तर पे ऊपर नहीं था, ये लगातार अभी भी पानी बढ़ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ सब तमाम उसके बैठने के रहने के उसके ज्यादा एरिया में उसके लिए अवेलेबल था, लेकिन अब पानी भर जाने की वजह से उसका जो मतलब रहने का जो अवेलेबल एरिया था वो बहुत ही नैरो हो गया, बहुत कम हो गया है ना। इसकी वजह से अब हम यहाँ गांव वालों से, जो आसपास क्षेत्र के जो लोग पुराने लोग हैं, उनसे हम ये पूछ करके कि कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर कभी बाढ़ नहीं आती, कभी पानी नहीं भरता, कौन ऊंचा स्थान है, तो यहाँ के लोगों को पता रहता है, तो उनसे पूछ करके ऐसे स्थानों को हम सर्च करा रहे हैं। तो इसका एक एडवांटेज ये है कि हमको कम एरिया में सर्च कराना पड़ेगा, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि बाढ़ के कारण वो कहीं यहाँ से हट गया होगा तो उसको ढूंढना मुश्किल है। तो दोनों बातें हैं, हम आज प्रयास कर रहे हैं, आज सघन चेकिंग करवा रहे हैं पूरे क्षेत्र महासी तहसील में। हम तीन टीम बनाए हुए हैं, तो 3 जोन में बांट करके 3 टीम बनाए हैं, और एक जोन सबको हमने दे दिया है कि पूरा का पूरा आप सर्च कराएंगे, जितना भी क्षेत्र ऊंचा वाला स्थान है सर्च कराएंगे। तो आज शाम तक जो भी रिजल्ट आएगा, दिखता है नहीं दिखता है, कुछ न कुछ तो रिजल्ट आएगा। अगर वास्तव में नहीं दिखता है शाम तक, और सब हम सर्च करवा लिए, हमारे पास टाइम है और नहीं दिखता है वो, तो फिर हम कंक्लूजन निकालेंगे कि यहाँ है कि नहीं है, क्या है स्थिति है। अगर दिख गया तो हम पकड़ने कार्रवाई हम शुरू कर देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।